बॉल बेयरिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बॉल बेयरिंग एक्सपोर्ट करके कैसे आप 9 लाख रुपए कमा सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप इसको ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बॉल बेयरिंग एक्सपोर्ट करने, तो यही बात कर लेते हैं कि किस तरीके का बॉल बेयरिंग इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है या इंटरनेशनल मार्केट में उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरीके की जो बॉल बेयरिंग आप देख पाते होंगे, हमेशा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अपनी कार में देखा होगा, या फिर इस तरीके के अपने व्हीकल में, या कहीं पे मैकेनिक की शॉप पे आपने देखा होगा, या कहीं पर आपने फोटो वीडियो वगैरह में देखे होंगे। इस तरीके की जो बॉल बेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ये है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक्सपोर्ट भी होता है। अब जब एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी देती है कि भाई आप एक्सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन जो रिजर्व है वो हमारा बढ़ाओ, फॉरेन करेंसी कमा के लेके आओ। तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है। अब गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो डीबी के भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है, 1.6% का आपको डीबी के मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि कस्टम द्वारा दिया जा रहा है 1.6% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 1.6% आपको मिल रहा है। अगर मैं बात करूं IES की इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो भी आपको अच्छा मिल रहा है, यानी 3% मिल रहा है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं, और 2% मिल रहा है अगर आप MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो भी आपको 2% IES मिल रहा है। अगर मैं RODDP की बात करूं, यानी रोड टेप रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो रोड टेप भी आपको यहाँ पे 1% मिल रहा है, सीधा सीधा 1% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जितना भी आपका FOB वैल्यू है उसका सीधा सीधा 1% आपको मिल रहा है RODDP रोड टेप। अगर मैं GST की बात करूं तो 18% GST लगता है, जो कि आपको रिफंड हो जाता है। आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं। 17 सालों में जो हमने करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 9 लाख रुपीज कैसे आप इससे कमाएंगे बॉल बेयरिंग को एक्सपोर्ट करके, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन में एक कैलकुलेशन डिटेल में लेके आऊं आपके लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए। जब आप इसको बाय करते हैं इंडिया से, तो 8 रुपए से 50 रुपए तक के भाव मिल जाते हैं अलग अलग साइज के एक्सपोर्ट क्वालिटी की। तो मैक्सिमम प्राइस लेके चलते हैं कि 50 रुपए पर पीस वाला आपने प्रोडक्ट खरीदा, बेयरिंग खरीदा, और 25,000 प्रोडक्ट आपने इसके खरीद ले, पीस खरीद ले 25,000, तो वो 12.5 लाख रुपीज का आपको पड़ जाएगा। और 1 लाख रुपए हम इजी कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं, जो आपका पैकेजिंग का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, लोकल इंश्योरेंस का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, जो 70,000 से 80,000 रुपए आता है लगभग हर शिपमेंट में, उसको मैं 1 लाख रुपए लिख लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर में आप गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी देख रहे होंगे, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट जैसे डीबी के मिल रहे हैं, RODDP मिल रहा है, या GST मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, बेसिकली वो मिल रहा है 20.6%। कितना? 20.6%। सर हमें तो पैसे की भाषा में बताइए, तो पैसे की भाषा की बात करें तो वो मॉनिटरी फॉर्म में 2.57 मिल रहा है, 2.57 लाख, यानी 2,57,000 रुपए मिल रहा है आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स। अरे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपके अकाउंट में वापस आने वाले हैं, तो इसको हम फाइनल बाइंग प्राइस से माइनस कर सकते हैं। तो फाइनल बाइंग प्राइस हो गया मेरा 12.50, जो मेरा बाइंग प्राइस था, प्लस 1 लाख रुपीज जो मेरा खर्चे आने वाले हैं, माइनस 2.57 जो हमारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इजिकल्स टू हो गया 10.92 लाख रुपीज। कितना? 10.92 लाख रुपीज। अभी बिकेगा कितने में, कितने रुपीज में सेल हो रहा है वो देखिए, सेल प्राइस इसका आ रहा है 80 रुपए से 250 रुपए। देखिए कितना अच्छी क्वांटिटी में जाता है। अब इसका मिनिमम रेट भी लेके चलते हैं कि भाई 80 रुपए में अगर आपने निकाल दिया 25,000 पीस, तो 20 लाख रुपए का आपका बन जाता है ये। अब इसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट बेनिफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए सर। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20 लाख रुपीज माइनस 10.92 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 9.07 लाख रुपीज, यानी 9 लाख रुपीज भी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर इससे कमा सकता है 25,000 पीस एक्सपोर्ट करके बॉल बेयरिंग के। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिमांड की, कि भाई कौन कौन सी कंट्री में इसकी अच्छी डिमांड है, कौन इसको ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है, वो टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले पायदान पर आता है इंडिया। हम लोग भी इसका इंपोर्ट कर रहे हैं,
हम लोग इसका 22,000 शिपमेंट्स इसका हम कर रहे हैं, 22 लाख। अगर हम सेकंड नंबर की एंट्री की बात करें तो मेक्सिको भी 5 लाख शिपमेंट इसका पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया भी यहां पर 2 लाख शिपमेंट्स यहां पे इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं वियतनाम की, वियतनाम भी 2.6 लाख शिपमेंट्स यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं कि फिफ्थ नंबर पर कौन आता है, यूएसए आता है। यूएसए भी 1.8 लाख शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। आप यूएसए को भी बेसिकली यूएसए को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एचएस कोड की कि आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, एचएस कोड तो आपको लगता ही लगता है, तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, 84 नंबर चैप्टर में आता है। सो 84 यानी 8482100, आप इसको इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं कि सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, तो एक्सपोर्ट का प्रोसेस सभी प्रोडक्ट में सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आप उसको बायर फाइन करना है। बायर फाइन करने के लिए टोटल 15 मेथड्स रहते हैं जो ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं पूरा, वो आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ज्यादा मेहनत लग रही है या ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपके पास पैसा है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, डायरेक्ट रेडीमेड लिस्ट ले सकते हैं आप, बायर का जेन्युइन डाटा ले सकते हैं वोल्जा से, हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है। आप वोल्जा से अकेले लेने जाते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। अगर मैं बात करूं जब आपने बायर फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, उनको कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आप जो ट्रेनिंग में सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जाती है वो आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए। जब आपका बायर वेरीफाई हो जाए कि ये पार्टी वेरीफाइड है, जेन्युइन है, ये काम कर रही है, खरीद रही है, तो उसको फिर आपको कन्विंस करना है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, जो आपका यूएसपी रेडी कराते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो आपको यहां पे सारी ट्रिक्स इंप्लीमेंट कीजिए इस प्रोडक्ट में भी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एडवांस पैसा आ जाता है, और जब आपका पैसा आ गया फिर कर दीजिए उसका बीआरसी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो आजकल ईबीआरसी होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्ट के प्रोसेस में सबसे लास्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी है, जिसको करना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर वो आपने नहीं किया तो आपको आ जाता है आरबीआई से नोटिस, तो बेटर है कि आप ईबीआरसी जरूर करें। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगने वाली है, तो इसमें लगेगी ईईपीसी। मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है तो इसमें ईईपीसी लगेगा, यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट मात्र आप 6,500 रुपए देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इनिशियल स्टेज लेवल पे। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है आरसीएमसी के चार्जेस भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं, 2 लाख रुपए भी है लास्ट में। अगर मैं बात जो 1,000 करोड़ का जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके तब उस केस में है, अभी तो आपको 6,500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी टॉप 5 कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना 13 लाख शिपमेंट्स कर रहा है बॉल बेयरिंग का, एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां से आपका कंपटीशन होने वाला है। सेकंड नंबर पे जापान आता है, जापान भी 7 लाख शिपमेंट्स कर रहा है बॉल बेयरिंग का एक्सपोर्ट। जर्मनी भी 7 लाख शिपमेंट्स कर रहा है, जर्मनी का एक्सपोर्ट कर रहा है एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं बात करूं हमारा इंडिया, हम लोग भी पीछे नहीं है, हम लोग वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो बॉल बेयरिंग एक्सपोर्ट करने में, हम नंबर 1 पे इंपोर्ट कर रहे हैं और नंबर 4 पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 5 लाख शिपमेंट्स पर ईयर भेज रहे हैं बॉल बेयरिंग एक्सपोर्ट करने में। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारे इंडियन भाई बहनों से, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और इंडिया को नंबर 1 पे लेके आइए। हम आज 5 लाख पे हैं और चाइना 13 लाख पे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसमें मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन विद इन 2-3-4-5 ईयर में, क्योंकि इंडिया चाइना प्लस बनने की कोशिश कर रहा है और वो बन के दिखाएगा। आप उसमें मेहनत करेंगे, हम लगातार मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट मेहनत करेगी और देखिए इंडिया नंबर 1 पे आएगा आपके सहयोग से। अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो इटली आता है, इटली 2 लाख शिपमेंट इसमें कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही हमेशा की तरह आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।
क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।